साइंटिस्ट चिंपेंजी के बच्चे को लेब से अपने घर ले आता है। साइंटिस्ट के डैड चिंपेंजी को पीने के लिए दूध की बोतल देते हैं। चिंपेंजी की हरकतें बिल्कुल इंसानों के बच्चों की तरह थी। एक साल बीतता है और लिटिल चिंपेंजी अब थोड़ा बड़ा हो गया था। चिंपेंजी शरारती होने के साथ काफी इंटेलिजेंट भी था। उसने पढ़ना लिखना गेम खेलना काफी चीजें सीख ली थी। अब उसे 2 साल और बीत जाता है। चिंपेंजी पहले से काफी इंटेलिजेंट हो गया था, पर साइंटिस्ट के डैड अब धीरे धीरे पागल होने लगते हैं। साइंटिस्ट लेब से उस मेडिसिन को चुरा लेता है जिसे उन्होंने कुछ सालों पहले चिंपेंजी पर इस्तेमाल की थी, और वो उसे अपनी डेट को लगा देता है। साइंटिस्ट की डेट अब बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। दोनों बाप बेटे काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ लिटिल चिंपेंजी पड़ोस के घर में साइकिल चुराने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो भी बाकी बच्चों की तरह साइकिल चलाना चाहता है। पर उस घर का ओनर लिटिल चिंपेंजी पर अटैक कर देता है, वो उसे मारने वाला था। तभी साइंटिस्ट वहां आकर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये सिर्फ खेलना चाहता है, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।